हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम 4 फरवरी 2023 का सीटेट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें ईवीएस के सेक्शन को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण किया, यानी ऑब्जर्वेशन किया, और अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है, लोग खाने की वस्तुओं जैसे टैपियोका और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। तो बताइए, ये जो विशेषता बताई जा रही है किस राज्य से रिलेटेड है, यानी किस राज्य की विशेषता बताई जा रही है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल। टैपियोका और नारियल ये आपके केरल में ही फेमस है, तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है आपके मिजोरम के झूम खेती से। कहा जा रहा है कि मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं और उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है, ये भी झूम खेती की विशेषता है। इसी वजह से झूम खेती को काटो और जलाओ खेती के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड कह रहा है इसके पश्चात बीज बोने से पहले इसे भूमि को गहरा जोता जाता है, गहरा नहीं जोतते, हल्का जोतते हैं, फिर उसके बाद बीज छिड़क देते हैं। फोर्थ कह रहा है कि रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशियों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। फिर फिफ्थ कह रहा है कि एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है, तो यहाँ ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। यानी जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ए बी ई। किसमें दिए हैं? फोर्थ ऑप्शन में, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आपको पहेली दी गई है, उसको आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा होगा, यानी कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। कह रहा है काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो यहाँ जो विशेषता बताई जा रही है वो बताई जा रही है काली मिर्च की। काली मिर्च जो होती है वो छोटी होती है, गोल होती है और काले रंग की होती है, और अगर आप उसे टेस्ट करें तो वो आपको तीखी लगेगी, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस पहेली के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, तो यहाँ बात की जा रही है रेशम कीट की, यानी यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। जो मच्छर होते हैं वो हमें पैरों की, हमारे पैरों की जो गंध होती है और हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उससे हमें ढूंढ लेते हैं, और बात जो होता है उसकी नजर हम लोगों से कई गुना अच्छी होती है, 4 गुना अच्छी मानी जाती है। यहाँ मैंने तीनों ही एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। अगर कहवा की बात करें तो कहवा आपको जम्मू कश्मीर श्रीनगर में देखने को मिलेगा, तो श्रीनगर यहाँ ऑप्शन दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया है। भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फुट ऊंचाई मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने हैं और इनकी जो छतें होती हैं ये ढालूदार होती है, तो आपको बताना है कि ये जो राज्य की घरों की विशेषता बताई जा रही है ये किस राज्य से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली आपके असम से रिलेटेड है। जिन लोगों ने ये जो एक्सप्लेनेशन है ये असम के बारे में है, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली के टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के एक कोने पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई है तो इन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी, अप्रोक्स आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, 990 मीटर का आपको 21.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी वैल्यू आएगी उसे आप किलोमीटर में अप्रोक्स जो वैल्यू होगी उसे ही आपको राइट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले दो रोगों के जोड़े के बारे में बताइए।
मलेरिया और मियादी बुखार। मलेरिया तो मच्छरों के काटने से फैलता है, लेकिन जो टाइफाइड होता है वो दूषित पानी की वजह से फैलता है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। डेंगू और चिकनगुनिया, ये दोनों ही मच्छरों के काटने से फैलते हैं, इस वजह से यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो हैजा होता है वो भी आपका दूषित पानी से होता है, और डेंगू ये आपके मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह जोड़ा बताइए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, यानी हमसे बेहतर होती है, और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ये किसके बारे में? तीन ही बेसिकली पक्षी होते हैं ऐसे, चील, बाज और गिद्ध। तो यहाँ जो दो दिए गए हैं वो है बाज और गिद्ध, इस वजह से सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वह राज्य कौन सा है जहाँ तोरांग का अर्थ होता है जंगल। तो बेसिकली यहाँ बात की जा रही है झारखंड की। झारखंड में बोली जाती है कुड़ुख भाषा। कुड़ुख भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल, यानी जंगल को तोरांग कहते हैं। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लेता कि तो जंगल जो होता है, यानी तोरांग का अर्थ जंगल किस भाषा में होता है, तो वहां कुड़ुख भाषा आपका सही हो जाता। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन के भी यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी रिलेटेड है आपकी डायरेक्शन से। डायरेक्शन, डिस्टेंस क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। एक तो पैमाना से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, दूसरा डिस्टेंस से, और तीसरा है आपके डायरेक्शन से। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके बताना है कमेंट में कि इसका सही आंसर क्या होगा। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड है। स्पीड आपको, सॉरी, हाँ, डिस्टेंस आपको दी गई है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है जो स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, उसके भी आपको आपको जो एवरेज स्पीड है वो निकाल लेना है। एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस हिसाब से, इस फॉर्मूले से आपको आंसर निकाल लेने हैं, और कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्य प्रदेश के तीन सीमावर्ती देश कौन से हैं, यानी जो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो शेयर होती है जिनसे, लगे हुए मध्य प्रदेश के लगे हुए तीन राज्यों के समूह को आपको बताना है। बेसिकली मध्य प्रदेश के तीन सीमावर्ती जो देश हैं वो आपको 5 राज्य देखने को मिलेंगे। एक तो हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको झारखंड देखने को मिलेगा। यहाँ पांचों मैंने आपको बता दिए हैं, और पांचों में से तीन का ऐसा जो ग्रुप है, जो पेयर है, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। बिहार नहीं होता यहाँ, आपको छत्तीसगढ़, झारखंड भी देखने को नहीं मिलेगा यहाँ। गुजरात, गुजरात तो है, लेकिन तेलंगाना और उड़ीसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यों का वह समूह बताइए जिसके समुद्र तट अरब सागर में है, यानी ऐसे आपका इंडिया बना हुआ है, इधर आपको अरेबियन सागर देखने को मिलेगा और इधर बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछ रहा है जो कोस्टल एरियाज हैं अरेबियन सागर के, वो आपको बताने हैं इंडिया के। सबसे पहले आपको केरल देखने को मिलेगा, फिर कर्नाटका देखने को मिलेगा, उसके बाद छोटा सा आपको गोवा देखने को मिलेगा, फिर महाराष्ट्र एंड देन गुजरात। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केरल, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। इनकी जो एरियाज है, यानी ये जो एरिया है कोस्टल एरियाज हैं, अरब सागर से लगे हुए हैं, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये आपके बे ऑफ बंगाल से लगे हुए हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल से अगर पूछता तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन यहाँ अरेबियन सागर की बात की जा रही है, इस वजह से सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए, यानी वह ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी की बात करें तो दोनों ही आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी दोनों ही यूटी हैं। चंडीगढ़ और दिल्ली, ये भी दोनों यूटी हैं। नागालैंड और लद्दाख, लद्दाख तो आपका यूटी है लेकिन नागालैंड सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट है, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ दोनों ही स्टेट है, इनमें कोई भी यूटी नहीं है, और हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि हमें एक यूटी देखना है और एक स्टेट देखना है। इस क्वेश्चन के भी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका पेडोगॉजी से रिलेटेड है। हम सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड थे ईवीएस के, जो आपके 4 फरवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। हमने सभी को डिस्कस कर लिया है, ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी जो क्लासेज हैं वो रेगुलर एग्जाम तक चलती रहेंगी और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।